नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी दोस्तों। आज की वीडियो है किचन क्लीनर पे। किचन क्लीनर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ज़्यादा करके यूज़ होता है जहाँ पे नमी वाला वातावरण होता है, जिससे कि बोलते ना किचन वगैरह हो या फिर स्टील के बर्तन हो, उन पे नमी छा जाती है, वो थोड़ा चिपचिपे जैसे होने लगते हैं। तो उनकी सफाई के लिए एक प्रोडक्ट है जो कि एक्सपेरिमेंट करके बनाया हुआ है। मुझे इस पे मेरे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि भाई किचन क्लीनर पे वीडियो बनाओ। तो भाई उनका सुझाव मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, तो मैंने किचन क्लीनर के प्रोडक्ट पे एक्सपेरिमेंट किया और इस प्रोडक्ट को रेडी किया है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, लिक्विड फॉर्म में यह प्रोडक्ट है, हमें इसको लिक्विड फॉर्म में ही रखना है। इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 रुपये पर लीटर है, बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग भी नहीं है इसकी। आप इसको आसानी से 15-20 रुपये तक में पैकिंग करके आप सेल कर सकते हो, या फिर अगर आपके एरिया में अगर ये प्रोडक्ट ज़्यादा चलता है तो आप इसको बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। अभी इसकी प्रोसीजर से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा उन सभी लोगों से जो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करने वाले हैं, जिस भी रीज़न से हो, चाहे फॉर्मूला परचेस रीज़न हो या फिर किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग मैसेज हो, भाई कुछ दिक्कत आ रही हो, तो उन सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जब आप मुझे मैसेज करो व्हाट्सएप पे, तो भाई यार आप मुझे अपना नाम बताओ, आप कौन से शहर से हो ये बात बताओ, इतना तो एटलीस्ट बताओ जिससे मुझे पता चले भाई मुझे किसने कांटेक्ट किया है और कहाँ से कांटेक्ट किया है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप मुझे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आप मुझे मैसेज कर रहे हो, आपको जो भी दिक्कत आ रही है प्रोडक्ट बनाने में, भाई ऑफिस सीधी बात है दिक्कत आ सकती है, तो आपको जो भी दिक्कत आ रही है तो उसमें उस प्रोडक्ट में आपको क्या दिक्कत आई है और आपने क्या क्या रॉ मटेरियल उसमें कितने डाले हैं, वो थोड़ा सा मुझे बताओ जिससे कि मुझे थोड़ी आइडिया आ सके कि आपको जो प्रॉब्लम आई है वो किस वजह से आई है, उसका मैं आपको क्या सॉल्यूशन दे सकता हूँ, ये मुझे आइडिया आ सके। तो इतना थोड़ा भाई आप ध्यान में रखो तो ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि आप मुझे डायरेक्ट बताओगे मुझे ये दिक्कत आई है तो भी मुझे आपको पूछना ही पड़ेगा कि आपने कौन सी चीज़ कितनी डाली है, तो आप मुझे पहले बता दोगे तो मुझे भी थोड़ा समझने में आसानी होगी। तो ये इतनी मेरी रिक्वेस्ट है, थोड़ा इतना ध्यान में आप रखो तो आपको भी थोड़ी आसानी होगी और मुझे भी थोड़ी आसानी होगी। अगर आपको लिखने में दिक्कत होती है तो भाई व्हाट्सएप पे वॉइस नोट वाली भी फंक्शन अवेलेबल होती है, आप उस पर क्लिक करके आप जो भी है बात आप मुझे बोल के भी व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं उसको सुन के फिर एनालाइज कर लूँगा कि क्या दिक्कत है। अब ये किचन क्लीनर लिक्विड, ये लिक्विड फॉर्म में ये देख लो, अब ये पूरी तरीके से ठंडा हुआ नहीं है, इसको जस्ट अभी मैंने बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का और बहुत ही कम प्राइस में ये रेडी हुआ है। इस प्रोडक्ट को बनाने की प्रोसीजर, इसका फॉर्मूला और रॉ मटेरियल की डिटेल, मतलब टोटली फॉर्मूला भाई आपको परचेस करना होगा, जिसकी कॉस्ट 100 रुपये है, सिर्फ 100 रुपये। ये चीज़ इसके लिए भी है कि जो लोग यार स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं मुझे, देखो उनको पता ही होगा कि मैं यूनिक प्रोडक्ट पे एक्सपेरिमेंट करता हूँ, कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट ही बनाने की कोशिश करता हूँ, एक्सपेरिमेंट करता हूँ, जिससे कि आपको कंपटीशन भी कम हो और आपका प्रोडक्ट भी यूनिक हो, कुछ नया हो। तो उन लोगों को तो पता ही है, बाकी जो अभी वीडियो देख रहे हैं उन्हें भी अभी थोड़ा आइडिया आ ही गया होगा। तो जो आप इसको परचेस करोगे ना, तो आप मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में, एक स्पेशल पर्सन की लिस्ट में आप आ जाओगे, मैं आपको एक स्पेशल लिस्ट में ऐड कर दूंगा, जिससे कि आगे मैं कोई भी यूनिक प्रोडक्ट पे एक्सपेरिमेंट करूँ और उस प्रोडक्ट को जब मैं रेडी करूँ ना, तो उसकी फॉर्मुलेशन पहले स्पेशल लिस्ट में जितने लोग होंगे ना उन तक जाएगी। उसके बाद फिर अगर मुझे ऐसा लगा कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक प्रोडक्ट है, इनको ऑफिशियली अपलोड नहीं करना है, जितने लोग स्पेशल है जो मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं, भाई अभी करीब 1000 सब्सक्राइबर तक होने आ चुके हैं और बहुत लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं, जिन्हें मतलब ऐसा लग रहा है भाई मेरे पे ट्रस्ट है कि हाँ ये बंदा गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, उनकी प्रॉब्लम को देखते हुए मार्केट में वो लोग नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उनको देखते हुए यूनिक
फॉर्मूला पहले उन तक जाएगा, उसके बाद अगर मुझे लगा कि इसको ऑफिशियली देना है तो ऑफिशियली दूंगा। बाकी ऑफिशियली तो प्रोडक्ट आएंगे, वो तो वीडियो आने वाला ही है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी होते हैं जो मार्केट में नहीं होते या फिर बहुत कम होते, जिन पर मैं पर्सनली एक्सपेरिमेंट करता हूँ। एक्सपेरिमेंट भी कुछ इस तरीके के होते कि आपका इन्वेस्टमेंट भी कम हो और एक अच्छी क्वालिटी का आपका प्रोडक्ट बन सके। तो उस तरीके के इन्वेस्टमेंट सॉरी एक्सपेरिमेंट किए हुए जो प्रोडक्ट होते हैं, वो प्रोडक्ट सबसे पहले स्पेशलिस्ट पर्सन तक जाएंगे। स्पेशलिस्ट पर्सन तभी आप बनोगे जब आप इस प्रोडक्ट के फॉर्मुलेशन को परचेस करोगे, जिसकी कॉस्ट 100 रुपये है। जहाँ तक मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग जो लोग कर रहे हैं उनके लिए 100 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब आप इसको परचेस करोगे ना तो मुझे भी पता चल जाएगा कि कितने लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग नए हैं या फिर जो लोग सिर्फ वीडियो देख रहे और जा रहे, चैनल से कोई मतलब नहीं है, डिटेल से कोई मतलब नहीं है, वो लोग इसको परचेस नहीं करने वाले। जो लोग शुरू से वीडियो देख रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, वही लोग परचेस करेंगे, वो भी मुझे पता है। तो यूनिक प्रोडक्ट सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होगा। ये एक स्टार्टअप है सिर्फ उस चीज़ के लिए, उस लेवल तक के लिए कि जो फ्यूचर में आप लोगों को भी काम लगेगा। तो इसकी फॉर्मूलेशन, पूरी मेकिंग प्रोसेस, इसकी मैंने आपको डिटेल बता दी है। आप इसको किस तरीके से बनाना सीख सकते हो, इसकी पूरी फॉर्मूलेशन आपको सिर्फ परचेस करनी होगी। मैं आपको पूरी प्रोसीजर बता दूंगा, फॉर्मूलेशन की डिटेल बता दूंगा, और आप एक अच्छा प्रोडक्ट रेडी कर सकते हो। और यह प्रोडक्ट जहाँ तक मुझे लगता है यही एक प्रोडक्ट भी मार्केट में इतना ज़्यादा है नहीं, बहुत कम ही लोग इसको बना रहे हैं। तो ये भी एक नया प्रोडक्ट ही हो सकता है आपके लिए भी। अगर मार्केट में आप नए से स्टार्टअप कर रहे हो तो आप इस प्रोडक्ट को भी रिलीज़ करके मार्केट जमा सकते हो, अपना अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। तो ज़्यादा मत सोचो, बाकी फिर आपके ऊपर है भाई, कोई ऐसा पर्सनली फोर्स नहीं है, आप खुद से भी आइडिया लगा सकते हो। क्योंकि जितने लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया उन्हें तो पता ही है भाई मेरा रिस्पांस कैसा आता है। बाकी जो लोग नए हैं वो चाहो तो एक बार ट्रस्ट करके देख सकते हो यार, अब इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। थैंक यू।